हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने मंगलवार को कीमत के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल बिटकॉइन मंगलवार को पहली बार $50,000 यानी लगभग 36 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के अलावा कई और कंपनियों के बिटकॉइन को डिजिटल करेंसी के तौर पर मंजूरी मिल जाने के कारण कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। बिटकॉइन ने 50,603 यानी लगभग 37 लाख रुपए डॉलर का रिकॉर्ड कायम किया है। ये 0.83% बढ़कर 48,351 था। बता दें कि इस साल अब तक बिटकॉइन की कीमतों में 73% की वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि 2009 में शुरुआत होने के बाद से अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक बिटकॉइन की कीमत $50,000 के पार हो गई है। गौरतलब है कि पूरी दुनिया में अब बिटकॉइन की स्वीकार्यता काफी बढ़ी है, इसी वजह से लोग अब इस डिजिटल करेंसी में जमकर पैसे लगा रहे हैं। वहीं एप्पल और टेस्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। पिछले हफ्ते ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन में $1.5 अरब का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों जैसे कि मास म्यूचुअल, एसेट मैनेजर गैलेक्सी, डिजिटल होल्डिंग, पेमेंट कंपनी स्क्वायर ने भी बिटकॉइन में बड़ा निवेश किया है। इसी वजह से इसकी कीमत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। क्या है बिटकॉइन, आइए जानते हैं। बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है और ये पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसका अर्थ है कि ये किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित पेमेंट के लिए इसे बनाया गया है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है और अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो वो आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।